बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नादे अलीयन मज़हर अलअजायब तजिद हो औन लखा फिन नवायब कुल्लु हम मिन वगम मिन सैयन जली वे अलीयन बे अलीयन बे अली इलाही अजीम इबादत कबूल फरमा खुदाया बानिया ने मजलिस दे रिज़्क़े हलाल इच बरकत अता फरमा। इस मेहनत इन सिराम जिक्र पाक मजलिस अज़ा गिरिया हो बुका जितना सवा मिले वह के सैयदा इन्हां दे मरहूमीन तक पहुँचा। खुदावंदा इस महफल अज़ा जितने मरीज़ ने जुमला बीमारा नूं शिफा अता फरमा। परदा नशीन जितनियाँ शरीफजादियाँ दियाँ झोलियाँ वीरान ने मासूमा शाम दा सदका आबाद फरमा। मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमा, सुन्नी शिया नू इत्तिफाकता फरमा, इलाही दुश्मना ने सैयदा नू तबाहो बर्बाद फरमा। कायनात हकीकी वारिस हुज्जत खुदा शहनशाह मुअज़्ज़म इमाम ज़मन दा जल्दी ज़हूर फरमा। कबूलियत वास्ते एक सलवात बुलंद أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم سلما احباب اہل بیت حاضرین مجلس شرفاء علاقہ میرے بزرگان سادات عظام قابل احترام سنی شیعہ صاحبان अल्लाह अपने बंदे नूं बीमार नहीं वेखना चाहता, अल्लाह अपने बंदे नूं तंदुरुस्त तवाना वेखना चाहता। तो मेरे मालिक ने अपने बंदे दी बका और तंदुरुस्ती वास्ते एक कानून एक नुस्खा वजा किया जिस नुस्खे का नाम है दीने इस्लाम। जिस तरह डॉक्टर तो नुस्खा दिसद इन्हां चीज़ों तो परहेज़ करेंगा ए खाएंगा तो बच जाएगा। मेरे मालक ने भी एक नुस्खा लिखा, फरमा मेरा बंदा मैं तेरा मेकर हाँ, मैं तेन बनाया, मैं पता है मैं किड़े मटीरियल नाल तेन खलक किया। तो मेरे मालक ने इंसान की बका वास्ते जिहड़ियां चीज़ां इंसान वास्ते नुकसानदेह ने वो दीन इस्लाम विच हराम कर दित्ता। बहुत शुक्रिया। जिहड़ियां चीज़ां इंसान नूं फायदा ताकत तवानाई देंदियां ने अल्लाह ने वो चीज़ां दीन च हलाल कर दी। नौजवान पढ़े लिखे स्टूडेंट भाई सादा तवज्जो फरमाना, हलाल और हराम दी लॉजिक इंसान दी बका है। इंसान दे बॉडी स्ट्रक्चर नूं मद्देनज़र रख के अल्लाह ने चीज़ां हलाल कीतियां ने हराम कीतियां। जिहड़ियां चीज़ां इंसान वास्ते नुकसानदेह ने पहले दिन तो हराम ने, जिहड़ियां फायदेमंद ने हलाल। फरमाया मेरा बंदा तू करोला की गड्डी लई है 40 लाख दी, कलर दुआ गड्डियां एक जैसा है, स्पीडोमीटर एक जैसा है, ताकत एक जैसी है, एक डीजल इंजन है एक पेट्रोल है, तू डीजल इंजन कभी पेट्रोल क्यों नहीं पाया? मालिक वो जिन्ना बनाइए उन्हें दसिया दे सिर्फ डीजल चलेगा पेट्रोल नहीं चलेगा। फरमाया मेरा बंदा मैं दुख लगता तेरे ते 40 लख दे के उन्होंने आखे ला के पेट्रोल ही डीजल नहीं पाँदा, मैं करीम अल्लाह मुफ्त मशीनरी तेरे हवाले की थी, मेरे आखे ला के हराम तो क्यों नहीं बचता? अल्लाह जिंदगी अल्लाह जिंदगी अल्लाह जिंदगी अल्लाह जिंदगी। बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो याद रखना बिलखसूस मेरे लिए सुनत भाई, अल्लाह हलाल हराम अपनी जात का फायदा रख के नहीं किया, इंसान की जात का फायदा।
बंदे समझते हैं असं हराम खाधा तो अल्लाह का कख नहीं रहना, अल्लाह का नुकसान हो जाना है। अल्लाह का कुछ नहीं होना जे तू हराम खाधा तो ही होना जो चाइना च हो रहा है। अल्लाह जिंदगी दराज अल्लाह आखे ही ना हराम चमगादड़ ना खाओ। इंसान ट्राई की अच्छा वेखने फिर की होंगे यही होंगे फिर जो वेखते हो। अल्लाह इंसान की बका चाहता है, अल्लाह इंसान का फायदा चाहता है, अल्लाह इंसान की भलाई चाहता है, खुदा नुकसान नहीं चाहता अपने बंदे का। चीज़ा हलाल ने तो इंसान वास्ते फायदेमंद ने, अगर दीनी चीज़ा हराम ने तो इंसान वास्ते नुकसानदेह। रोण के बारे में दो चार जुमले आखना चाहता। मौली साहब आवाज़ शरीफ फरमा रहे ने रोना बिद्दत है, रोना गुनाह है, रोना हराम है, रोना गलत है। भाई मौलवी मेकर तू है इंसान का या अल्लाह मेकर है? तिन किस इजाजत दी है हलाल हराम अपने को? अगर रोण इंसान वास्ते नुकसान दे, अल्लाह इंसान का नुकसान करके राजी है, फिर रोण का अल्लाह हुक्म क्यों देता कुरान? अगर रोण का इंसान नुकसान है, इंसान वास्ते गलत है, असरात बुरे ने, तो अल्लाह क्यों आख रहा रो? जी खुदा कुरान रोण का हुक्म दे रहे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फल यज़हकू कलीलन वल यबकू कसीरा, हसया थोड़ा कर रोविया चौखा कर। आयत नहीं, मैं मिंबर तो उतार दे, हुक्म खुदावंदी है, मेरा बंदा चौखा रो थोड़ा हस। अगर रोना बिद्दत है, हराम है, नुकसान है, तो अल्लाह इंसान का नुकसान करके राजी नहीं। अल्लाह क्यों आख रहे रो? बंदे समझते रोन का तलक शीयत नाल है, सिर्फ शिया रोंदे। अगर सिर्फ शिया रोंदे तो मैं दसिया जाए जमदा बच्चा रोंदा क्यों है? आए हाय हाय, चलो जेने नहीं बोले मैं जुमला बदलना, मेहरबानी। अगर रोन का तलक शीयत नाल है तो फिर मौलवी मन जमदे सारे शिया होंदे ने। आए हाय हाय, बच्चा पहला काम दुनिया ते आके जिहड़ा करदा है वो हसन नहीं, उन्हों अजे हसन का नहीं पता, रोण का बच्चे नहीं पता। जब तक रोंदा नहीं फैमिली हसती नहीं, डॉक्टर परेशान है, दाई परेशान है, मां परेशान है, हूँ पता नहीं है जिंदा भी है या मुर्दा है, हाथ पैर ते हलाना कोई नहीं, हैलो हाय इस करनी कोई नहीं, वो जिहड़ा काम आउंदा है उस बच्चे नूं वो रोण है। उस टांग कीती नहीं, मुबारक शुक्र है खैरी मेरी है, किस दसे हूं रोने, ये मतलब है मुर्दे नहीं रोंदे। तेरे हाथ सलामत भाई, तेरे हाथ सलामत, तेरे हाथ सलामत। रोण का तालक मुर्दगी नाल नहीं, जिंदगी नाल, जिंदगी दी अलामत है रोना। उस रो के दसे ना परेशान खैरी मेरी है। और बच्चा अपने सारे काम रोण तो लेंदा, बच्चे जड़ी नहीं मनी रोके मनवा लें, बच्चे का मजबूत वैपन रोण। बच्चा मां नूं ट्रिपल टू विखा के नहीं चीज मंगता, डंडा मार के नहीं, बच्चे का हथियार रोण है। कुल्फी आई है विकेन अम्मी 100 रुपये, हो सके चल दफा 100 रुपये में रखे ओथे वेड़े विच बैठे, हाँ लियो मन 100 दियो, हाँ लियो आ रहा आवाज ठीक है हूँ इतना ही है, हाँ लियो मैं 100 लेना है, मैंने 100 दियो, रोन लग पेगा जब तक 100 लभना नहीं, चुप नहीं करना। अमीर उल मोमिनीन फरमाते ने किताब दना अल मवाइज़ उल अदबिया, फरमाया ए कम बच्चे को नकल मार सिख, मौला किवें? फरमा वेखा उस रो रो के मनवा लिये ना अपनी 100 ले लिया ना जी, फरमाया जदनो करीम अल्लाह ना मने रो पव्या करना, अल्लाह तुहाडे हाथ सलामत। या लिया जिमें बच्चा माँ प्यो को रो के मनवा लेंदा है, मेरे मुर्शद अली फरमाते ने उस करीम अल्लाह को रो के मनवा लिया कर। 70 मामा तो ज्यादा प्यार करन वाला अल्लाह जिमें माँ बच्चे का रोन बर्दाश्त नहीं करती, अल्लाह अपने बंदे का रोन बर्दाश्त नहीं कर, रो के मनवाओ उस। अच्छा किसी आई स्पेशलिस्ट को पूछो रोन ना अखा का नुकसान है या फायदा है? मेडिकल डॉक्टर सुनी शिया नहीं होंगे। अच्छा की फिर समझते हो? त्रावी वाले बुखार हो तो दवाई हो रही,
तो मातम वाले बुखार हो तो गोली हो रही। भाई मेडिकल सुननी सी आ, मेडिकल भी एक कानून है जो इंसान की बका वास्ते जो असी बनाए अपनी सोच के तहत। किसी डॉक्टर को पूछो जी रोन नाल अखा तंदुरुस्त होंदिया ने या बीमार होंदिया ने, आखे कि नहीं रोन नाल पानी जितना निकलता अख तो तंदुरुस्त ने। रोन नाल बिनाई नहीं मुकती है, जरा याकूब अलैहि सलाम वास्ते लिखा गया ना रो रो के, नहीं 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 रोन नाल नहीं सरकार मातम कर दे। अगर रोन नाल बिनाई मुकती है तो जनाबे नूह अलैहि सलाम की मुकनी चाहिए। नूह ना नहीं गिरिया और नूह तू नूह निकले, रोंदे इतने आ ना ही नूह पै गया, इतना रोंदे आन के छपड़ियां बन जांदियां ने पानी दी, बह के रो रहे ने पानी खलो गया गड़े बन गए ने, परिंदे आके पानी पी रहे ने। जनाबे नूह दी अखियां खराब लगी हुई, यह मतलब रोन नाल याकूब अलैहि सलाम की बिनाई नहीं गई मातम। चलो मैं एक ही दलील दे दिया, फतेहपुर वाले काफ़ी हो जाएगी। अगर रोन नाल बिनाई मुकदी है तो अद्धे खड़दे शिया अन्ने होने चाहिए। हाय हाय भाई फिर अद्धे शिया हैदरिया, चूंकि असी रोने शोने मौलवी साहब तुसी तो रोंदे ही नहीं, चलो शिया एनक लवाण। मौलवी जी तुसी एनक क्यों लवाई है? रोन नाल अखां खराब, अगर रोन नाल नुकसान है तो अल्लाह अपने बंदे का नुकसान करके राजी नहीं। रोन नाल तो अखां तंदुरुस्त होंदियां, रोन का अगर नुकसान है तो अल्लाह नूं हुक्म नहीं देना चाहिए रोन। कुरान च अल्लाह आख रहा मेरा बंदा रोवया कर। अच्छा कोई मेरा सुन्नी भाई ग्रामर अरबी सरफ नाव समझ दे तवज्जो करे, रोन के बारे हुक्म की है? एक दिन रोना दो दिन सुबह या शामी? रोन के बारे सीगा फेले मुजारे फल यबकू कसीरा, यबकू सीगा फेले मुजारे, मुजारे विच दो जमाने ने हाल मुस्तकबिल। फरमा एक दिन नहीं रोना, आज भी रो तो अगू भी रोवया कर। अल्लाह चाहता है मेरा बंदा रोवे, कित्थे रोइए? कोई ऐसा मौका है जिथे अल्लाह अपने बंदे नूं रोंदा वेखना चाहता है? ई मेरी मजलिस अगर मैं पढ़ ली, हुक्मे खुदाबंदी है मेरा बंदा हस थोड़ा रो चोखा, कित्थे रोइए जी? की समझते हो? ठंड लगे तो रो पवे, गर्मी लग पी रो पवे, रोना अल्लाह कित्थे चाहता है? वह भी कुरान है छेवा सिपारा पहली आए, मालिक कित्थे रोवा अपने नुकसान से फौतगी ते रोवा? फरमा ना 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 फौतगी ते ना रोवी सबर करी। बीमारी च रोवा? फरमा बीमारी ते ना रोवी, तेरे गुनाह पे माफ होंगे, बीमारियां गुनाह का कफारा है। मालिक बीमारी ते रोन नहीं दिता, अपने घर फौतगी ते रोन नहीं देता, उन्हें आख्या कर रो कित्थे रोवा? फरमा रोना चाहना है मेरे आखे जी छेवा सिपारा पहली आयत जी मैं खुतबे के बाद पढ़ी है, वादा उला शरीक फरमा रहे ने कित्थे रोना ही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिसूए मिनल कौले इल्ला मन ज़ुलिम, रोना ही तो किसे मजलूम रोवया कर। हाय 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 मेहरबानी भाई मेहरबानी भाई, या अल्लाह या अल्लाह। अल्लाह चाहता है मेरा बंदा रोवे अपने नुकसान ते नहीं, अपनिया फौतगियां ते नहीं, अपनिया थोड़ा ते नहीं, मजलूम। ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिसूए मिनल कौल, अल्लाह हाय हाय कर के रोना, उच्चा गिरिया वावेला हा लियो करके रोना पसंद नहीं करता। इल्ला मन जुलिम, उत्थे पसंद करता है जिथे जुल्म हो। अल्लाह चाहता है किसे मजलूम नूं रो। दस दो जी मजलूम कौन है? असीं उस रो लोग ने मौली साहब कहते हैं करबला दे शहीद ने, अल्लाह उन्होंने अल्लाह दर्जे दिते ने, इमाम अली मकाम दे अल्लाह रुतबे बुलंद किए ने, दर्जा शहादत हुसैन नूं दिते है, शिया खुश होण इन्हां रोण पिटण लाए। ओ शियो खुश होवो तुहाडे इमाम पाक शहीद होए ने, ऐ है मुल्लां दी दो नंबरी। खरगोश होर मौलवी तैन किस आख्या असी निवासे रसूल नूं शहीद समझ के रोने? असी फरजंदे जहरा नूं शहीद समझ के नहीं मजलूम समझ के रोने, मजलूम दे रोण दा अल्लाह हुक्म दे रहे। तैन किस आख्या असी हुसैन दीआं 13 ज़रबां नूं रोने? असी मजलूम इस वास्ते नहीं रोंदे 13 ज़रबां नाल क्यों मारिया? असी इस वास्ते रोने आ 4 सालां दी धी दे सामने प्यो क्यों मारिया?
शहादत इन्हों का रुतबा है, ये भी रुतबा है कि दईयां दे सामने प्यो मार दियो। ये जुल्म नहीं, जुल्म दे ते अल्लाह रोना हा आख रहा तेरी धी दे सामने कोई तेन उच्चा बोले, मैं अगले दिन फेसबुक से वीडियो कली वेख रहा गड्डी वाले किसे रोके है वो बच्चा है तो सही वाल वाकया हो उन्हें फैर मारे ने बंदे इंतजार सिर्फ इस वास्ते किया ना आख्या यार ठीक है मान लिया वो चोर आया डाकू आया वक्रे लै जाके मार दे पुत्रां दियां दे सामने क्यों मार दे। पूरी दुनिया दियां हमदर्दियां सिर्फ इस वास्ते नाल लाण, पता नहीं वो कौन आई ओरिजिनल डाकू आई या ना आई, हर बंदे प्लस पॉइंट उसनू दिते नूं आख्या ज्यादती होई है मारो यार वक्रियां लै लो दी दे सामने क्यों मार। उस बच्चे दे ये वीडियो कली मौजूद है यूट्यूब ते रोंदा या दे असी आह दे रहे हैं पैसे ले लो सर ना मारो उन्होंने साडे अब्बू नूं मार दिता अज तैनूं याद आया पता नहीं वो कौन है उदे वास्ते तू रोडां ते आके इतजाज कीता है 1400 साल असी यही रोडां ते खलो के इतजाज करने हैं 4 सालां दी धी दे सामने क्यों मारिया। धी मिन्नत करती रही है ना मार मेरा मजलूम बाब। तुहानूं पता है करबला दे जंग नूं अखां नाल वेख के जिस बंदे लिखे है वह एक क्रिश्चियन है ईसाई है गैर मुसलम है हमीद इब्न मुसलम। इसका हॉबी है इसका शौक है इसका मशल है बचपन च जिवें साडे बच्चे कोइन इकट्ठे करते हैं टिकटां इकट्ठे करते हैं उसका मशला ही जंगा वेख के लिखता है सुनी सुनाई नहीं ये जंग बिच टुर जाता है वेखदा ही सामने ऐस बंदे इंज हमला किया ऐ तलवार मारी इत्थे लगी है समेत बाजू दे गर्दन ला दी ये लिखता है टुकड़े होंदे वेखदा है। इसनों किसे दस्या करबला भी बड़ी वड्डी जंग है ये अपना खैमा लैके इत्थे आ गया चलो मैं भी जंग वेखा मेरा सुनी भाई मैं बावजू खलोता तो अज मेरे बारहवें का दिन है जुमे का दिन है मैंने इस दिन की कसम ये आखिरी करबला की जंग इस वेखी फिर बंदा जिंदा रहा और किसे जंग च ना गया ना वेखी है ना लिखी बचपन तो इसका मशगल है इसका शौक है ये फिर क्यों नहीं जाता जंगा ते वापस आ गया कबीले च रोंदा फिर सज्जे टुरदा खब्बे टुरदा बंदियां फड़ लिया उन्हें आख्या के बने की वेखाया जंगा बचपन तो वेखना है टुकड़े होंगे वेखता रहना है खून वगदे वेखना है लाशा वेखना है की वेखे करबला केड़ी जंग वेखी है उस आखिया अगे जंगा वेखदा रहा ये जंग नहीं ये जुल्म आई आए मैं सदके भाई मैं सद जुल्म ते अल्लाह रोना पसंद करता है आदा वो जंग नहीं वो जुल्म होया की जुल्म होया हो सकया मेरी अखा को मंजर नहीं हटता कौन जो मेरे को जंगा वेखन होनिया की उस आख्या मन ए सुन्नी भी नहीं शिया नहीं मुसलमान ही नहीं गैर मुसलम है ये हमीद इब्न मुसलम रो के दें मैन वो वेला नहीं अखा को हटता जेल प्यो मरी तो निकी जाई धी हथ बन दिया कदी कातल दे सज्जे खलोंदी आई कदी खब्बे रो के दी ना मार मेरे बाबे दे छुड़ाण वाला ना मारो जालिमा मेरे प्यो दे छुड़ाण वाला कोई मजलूम दे रोण दा अल्लाह हुक्म देंदा है। हाँ असी करबला वालों नहीं रोंदे सन इस घर तो वड्डा कोई होर मजलूम वेखा अगर तेरा दिल है शिया करबला वाले ना रो अल्लाह हद रो किसी मजलूम रो अल्लाह रोना चाहता है मौलवी हद ना रो चलो नहीं रोंदे करबला वालों इन्ना तो वड्डा कोई मजलूम वेखा तुसी इत्थे पिटा कुटी लाई हो उस घर चोखा जुलम है असी उधर जाके रो लें रोना तो है सब तो बड़ा मजलूम कौन है। तुसी कदी नजफ जाओ ना मेरे मुर्शद अमीर दे जरी दे बाहर एक सलाम लिखे अस्सलाम अलैका या अव्वल अल मज़लूम ऐ कायनात दा मज़लूम अव्वल अली मेरा सलाम तुसी परेशान हो गए हो साडियां मामा ते झोली दसे हुसैन मज़लूम है ए प्यादे अली मज़लूम है और मैं नहीं आखे मेरे छेवें माम दा जुमला है ये जितनी ज़ियारतां असीं पढ़ने आ ये मेरे छेवें माम लिखी एक करबला आए ने ते मेरे इमाम तालीम दी है ऐ जरी ते खलो के ऐ ज़ियारत पढ़ो ऐ जरी ते ऐ ज़ियारत पढ़ो दादे दी जरी ते इन्हें फरमेंदे ने लुआका करो ऐ दुनिया दा वड्डा मजलूम मेरा सलाम केड़ा जुल्म है जेड़ा अली ते होया ते हुसैन ते नहीं होया हुसैन ते जुल्मां दी इंतहा फतेहपुर आ लिया
करबला सोचों तो ज्यादा जुल्म ने, लेकिन जितना बड़ा हुसैन मजलूम है, कुरान मेरे सर ते रख ले, हुसैन ते जुल्म दी इंतहा है, लेकिन करबला शब्बीर दी जिंदगी च 9 लाख ही चु किसे बेगैरत दी जुरत नहीं हुई हुसैन दियां बहना लवे के, शब्बीर दे खैमे अल किसे नहीं वेख्या हुसैन जिंदा है। ये जदन अगां लाइया ने परदे लुटे ने शहादत तो बाद हुसैन की जिंदगी, हुसैन की किसी औरत नु नहीं मारिया गया। लिया कुरान में सर ते रख देना, अली ओ मजलूम है जेड़ा वेदा रहा ते जहरा मरींदी रही, अली ओ कायनात दा मजलूम है जिदे सामने मोहम्मद दी धी नु तमाचे मार दे। मरहबा भाई, मरहबा भाई, मरहबा भाई, मैं सदके हो पाऊँ, अली ओ मजलूम है जिदी जिंदगी च बतूल मारिया। वही आइए अगू फिर बंदिया दिन फिर अली खामोश रहे बुजदिल से, खुदा लानत करे मौलवी तेरे दिन की सके खामोशी बुजदिली है। सहबे इकतदार हो के बर्दाश्त करना ए बहादरी, तेरा वस ना लगे तू हथी ना पवे ए ते बुजदिली, बस लगदे हैं फिर हर शे बर्दाश्त कर। ये शुजात है अल्लाह के सामने इबलीस खलोते हैं, अल्लाह पैदा सही दा करो सके नहीं करता, अल्लाह चुप हो गया खामोश हो गया, अल्लाह गल नहीं पाया नौज बिल्ला, अल्लाह बुजदिल से भाई की औकात इबलीस दी खुदा के सामने, अल्लाह पैदा सही दा करो वो सके नहीं करता, अपना करा ए मैं को नहीं करना ना फरमान है खुदा का, अल्लाह दे आखे नहीं पे लगता दस मौलवी मैंने फिर खुदा ना उस बिल्ला बुजदिल से, अली दी वारी ते भज के आख ली अली बुजदिल से। इदा मतलब है खामोशी बुजदिली नहीं, ये बहादरी दी ऐन इंतहाए सहबे कुदरत हो के फिर बर्दाश्त कर। खुदा दे सामने इबलीस दी की औकात है, सईदा नहीं कीता चल दफा हो सके टुर जाना मौलत दे जिंदगी दे के करनी, हो सके तेरे बंदे ने गुमराह कराना, फरमा ले ले ए बुजदिली नहीं अहम यार आले मोहम्मद दा, आले मोहम्मद दा ज़ेन दी सोच मेयार तेरे मेरे अला नहीं, इन्हों का मिजाज मिजाजे तौहीद है। फरमा ले ले जिंदगी ला ले अपना टेल, जेड़े मेरे हुए तेरे आखे नहीं लगने, अहम मिजाजे तौहीद। मेरे चौथे इमाम को किसी बंदे पूछा यबला रसूल अल्लाह शिया तुहाडे काफी ने यजीद के खिलाफ उठो, हाँ हमला कर। फरमाना खामोशी मेरा विरसा है, साडा बदला साडा कायम बाहर वाले, इस बात को समझना मुश्किल है। मेरे इमाम फरमाया ना असी खामोशी नाल सबर करांगे साडा बदला बाहर वाले, उस कहते तुसी क्यों नहीं बदला लेंदे, इमाम फरमाया तू हिकमत नहीं समझदा, अगर मैं अज उठ के हिसाब बराबर कर दिया तो जरा क्यामत तक यजीदी जमने ने वो कड़े खाते ने आए, हूँ पता लगे ही अली फदक क्यों नहीं वापस लिया, ए जड़े अज कुत्ते चां चां पे करते ने इन्हों की गर्दन की सुलानी है। आले मुहम्मद मौला दे दी है फिर लै टुर लै कर लै यजीद की वकालत कर लै मलौना की वकालत जी, हक को नहीं नबी की विरासत ही को नहीं आती जी, उन्हें कि खाते जाना है उन्होंने बदला आके मेरा बाहर वाला है। वस लगते हैं फिर खामोश हो जाना, वही आइए हुक्म आया खुदा दी तरफों या रसूल अल्लाह अल्लाह का इरादा अल्लाह चाहता है, जहरा दा सबर वेखे अली दा सबर वेखे, फरमा मेरी औलाद सबर करेगी जी, जबरील अमीन कह रहे ने अल्लाह प्याद है बतूल दा हक छिन लिया जाएगा, जहरा सबर करेगी, बीबी फरमा मैं सबर करांगा, दरवाजे नूं अग लग जाएगी, बतूल फरमा बद्दुआ नहीं करांगा, तुहानूं मारिया जाएगा, बीबी फरमा मैं बर्दाश्त कर लगी जी, मैं राजी है मैं उंज राजी रहा, जुमला अगला है जे किसे समझ आवे, हो सके जी अल्लाह चाहता है अली दा सबर वेखे, अली वेखेगा सामने बतूल जख्मी हो रही है, अली तलवार नहीं चलाएगा, फरमा मैं वादा कर रहा हूं मैं नहीं बोलूंगा, ए है शुजात मेरे अमीरुल मोमिनीन, वरना कभी सोचा जे खैबर शिकन को जा ला फता दा मालक अली मलाउन कीड़े मकोड़े ने जिन्ना अली दे गले च रस्सी पाई, अली खामोश है
یہ شجاعت ہے علی دی، فرمایا میں برداشت کروں گا اگر میرا اللہ چاہتا ہے۔ یہی وجہ ہی کدی کدی امیر المومنین، آؤ بسم اللہ بیٹا، اپنے ہاتھ ویکھ کے علی ممبر تے بیٹھے نے تے رو رہے ہیں۔ کسے پوچھا یا علی ہتھاں ویکھ کے کیوں روندے ہو؟ فرماندے نہیں اس واسطے روندا اے خیبر شکن ہتھ نہ لان تے زہرا مریندی رہی۔ اے شجاعت ہے علی دی، اے بہادری ہے علی دی، کالیاں پہ کے گل پہ جانا ہے بزدلی، یہ بہادری نہیں۔ بہادری یہ صاحب قدرت ہو کے سب کچھ بس چت پھر آخنا چل ایک دن تے تو میرے کو لیا ہوں۔ اے وجہ علی روندے ہیں تے رو کے دیا نے ہتھ نہ لان تے زینب دی ماں نو بندے مار دے۔ پنجواں مین کیتے بتول، بابا میں رل گئی ہاں۔ علی زہرا دا ہاتھ پکڑ کے فرمایا دھی محمد یا ہن وین نہیں کرنا، یا ٹرو بابے دی قبر تے مین پوچھ دیو میں بندہ ویکھاں کون ہے جس تیرا ہاتھ تروڑیا۔ من تے تیرے بابا منع کر گئے، یا علی میرے بعد تلوار نہیں چلائیں گا تو۔ نبیاں دے امتحان ہوئے نے، نبی غس غوث قطب ابدال سارے دے امتحان ہوئے نے، لیکن مشکل امتحان آل محمد ہے جڑے ثابت قدم رہے۔ میرے کو ایسے دلائل تاریخ دے موجود نے کہ نبیاں دے حوصلے مکے نے، آل محمد دا حوصلہ نہیں مکے۔ ایوب علیہ السلام امتحان دا چپٹر ویکھو، سب تو صابر نبی، بہت لمبا طویل امتحان ہے۔ امتحان جلے شروع ہوئے وقتاں دی دوپہر ہی ایوب تے نوکر نے چاکر نے رئیت کلمے پڑھی رہے نے، گوڈی پیری ہاتھ نے، باغات نے، مال اولاد۔ فرمایا ایوب صبر کریں گا ازماوا؟ جی مالک ازما۔ ایک دن اچ پتر مر گیا، صبر بلند ہے، مالک میں ٹھیک ہوں، باغ اجڑ گیا۔ ایوب فرما رہے میں ٹھیک، رئیت چھڑ گئی جڑی گوڈی پیری ہاتھ لاندے نفرت کرن لگ پیا، مالک میں ٹھیک ہوں۔ بیماری لگ گئی جسم نو، امتحان شروع ہوئے، وہ جڑے سجدے سلام کرتے ہیں نک تے ہاتھ رکھ کے گزر لینے، بو آ رہی ہے، مالک میں ٹھیک ہوں۔ رل کے امت آخیا کڈو باہر، بستی چ باہر کڈو، مالک کے سردار ہے، نوکر اس باہر کڈ رہے ہیں، مزیرے اس باہر کڈ رہے ہیں، مالک میں ٹھیک ہوں۔ تنہا صرف بیوی بچ گئی ہے وفادار، جناب یوسف علیہ السلام دی پوتی نے، شوہر لے کے بیابان جنگل چ آ گئے نے، فاقیاں تے نوبت ہے، کھان پین کوئی نہیں، امتحان شروع ہے۔ فرمیندے نے میں تے تر نہیں سکتا، بیمار ہے جسم، بیمار ہے، تسی جاؤ کسی کو کچھ منگ کے لے آؤ، شالا شریف زادی ہے رونا منگنا، اے انہاں دے حوصلے آن، قسم خدا پاک دی جس کدی نہ منگے ہوئے نو جاج ہی کو نہیں ہوتی منگنا۔ فرمایا میں جاننی ہوں، برکہ پا کے چرستے تے آ گئے۔ اس دور ہی شریف زادی اگر غیر محرم نہ بولنے تے کلام نہیں کر دی، سر تے ہاتھ رکھ دی۔ قافلے چ ایک بندے ویکھے پردے دار کھلوتی، سر تے ہاتھ کوئی غرض ہے، ٹر کے قریب آئے، جی کوئی کام ہے؟ شریف زادی برکے چ بولی، جی ہاں، کی چاہیے دے؟ فرمایا محتاج حقدار ہوں، کچھ دے دیو، میرا شوہر مریض ہے، صدقہ چاہیے دے؟ نہیں نہیں نہیں، صدقہ تو علینا حرام، ساڑھے دے صدقہ حرام ہے، صدقہ حرام ہے، کون ہے تو؟ فرمایا میں ایک نبی دی اولاد ہوں، ایک نبی دی بی بی ہوں۔ کیڑے نبی دی اولاد ہے؟ جی یوسف علیہ السلام دی میں پوتی ہوں۔ سن کی میں یقین ہے تو یوسف دی اولاد دے؟ ہاں اگر تو سن یقین دعا دے تو جو آکھے دے دیں گے۔ شریف زادی کمب گئی، کس طرح یقین آئے گا، میں قسم دے دی ہوں۔ انہاں کہ نہیں، اسی سنے اولاد یوسف دے سر دے وال سنے رہے ہیں، ذرا سر تو چادر ہٹا، مہربانی بھائی، جنہ دی ہائے نکلی تہاڈی مہربانی بھائی، تسی پہنچ گئے ہو بھائی جتھے میں پہنچا ہوں، سن تھوڑے جے وال دکھا دے، جو منگے گی اسے دے دیاں گے۔ کمبل لپے شریف زادے، نہیں 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 نہیں، انہاں کدھو چادر ہٹا، پچھلے قدماں تے واپس مڑ پی، کوئی شے نہیں چاہی دی، نہ دیو پڑ رون دی، اتھے آئیے جتھے شوہر امتحان اچ صبر دا امتحان دے رہے، جسم بیمار ہے، اکھاں بند نے، یعقوب ایوب علیہ السلام دی سسکیاں دی آواز، یا کھولیے
वेखे ते परदादार शरीफजादी बीबी कुछ मिले नहीं तू मंगे जी मैं मंगे फिर अदी अज के बाद मैं नहीं जाऊंगा मेरी मौत मंग लो उस कोलो मेरे को नहीं होएगा उठ के बैठ के दस होया कि अदी उन्होंने अद क्रॉस कर ली उन्हें मेरे क्या सर दे वाल वेगा मेरे को नहीं सर तू चप्पल चादर लान होंगी उठ के बैठ गए अय्यूब अलैहि सलाम ए दोवे बामखर बस मेरा अल्लाह बस इस तुते में नहीं जा सकता मेरा टुकड़े टुकड़े कर दे मेरे आजाद जुदा कर दे ए मेरे को बर्दाश्त नहीं होता कोई गैर महरम मेरी इज्जत दे वाल वेखे हम मैं करोड़ अय्यूब इकट्ठा करा सज्जा तेरा हौसला नहीं बनता शराबी कुत्ता पिया पुछ दे किथे खलोती है अकबर दी मां तेरा मातम कबूल हो गया तेरा मातम कबूल इन्हें हाथ पकड़ो भाई इन्हें हाथ पकड़ो मैं सदके हो पावा मैं सदके हो पावा मैं सदके हो इस अमल सिर्फ आले मोहम्मद इस मंजिल तो अगे सिर्फ औलाद ज़हरा गई तू की समझे सज्जाद मजबूर है तौखा कड़िया बेड़िया वसी को नहीं पुत्र हुसैन दा कुन ते कादर है कुन आखे फाइया कौन कर दे फिर सज्जाद हौसले शराबियां नाल मां पई बोल दिए सज्जाद हौसला आले मुहम्मद दा चौंस साले नबी गुजरे ने उन्हां दी डाची नू कतल कीता है डोका बच गया डाची दा बच्चा टिब्बे से चढ़ के चीखे जानवर का बच्चा है मेरा ने ना मेरी मां नु मारे जलाल हो गया फरमाया सारी कौम गर्क कर दे ओए बच्चे दे सामने मां नु मारे तू की समझना डाची दे बच्चे दी औकात है हुसैन दी चौं साल दी धी दी नहीं एक बारी सज्जाद दी बहन कड़िया वाले हाथ आके बद्दुआ कर दी ए हौसला सिर्फ आले मोहम्मद ए सिर्फ एजाज आले मोहम्मद अली यो कायनात दा मजलूम और बहादुर है जिदे सामने जहरा मरींदी रही है अली वेदे रहने अली बर्दाश्त कीता इसे बर्दाश्त दा ना सबर है ओ मैं सदकी होवां एक वेण करा मजलिस में पढ़ ली तमाम हो गई मेरे हिस्से मैं इत्थे छोड़ा मैं मुतमईन ना मेरा अपना आंसू आ गया मेरी हो चुकी मैं एक वेण करा माजरत नाल तामील नहीं होगी पहले दस दें दे मैं इत्थे छोटा जिहा वेण कर दिया अयामे फातिमा ने अयामे सैयदा ने अज बीबी पाक दे आमद दा दिन भी जमादी उसानी सैयदा दे जान दा और मैं मिन्नत करना अगर आइंदा जिंदगी च त्रै जमादी उसानी आवे इसनू दस मुहर्रम दी तरह मनाओ काले कपड़े पाओ त्रै जमादी उसानी शियां ते वाजिबन काले कपड़े रख अगर मुमकिन है जॉब करना है अगर कुर्बानी हो सकती है एक दिन हुसैन की माँ से कुर्बान कर दो जॉब छोड़ दो बगैर दसे दफ्तर छुट्टी करो स्टूडेंट भाई तुसी शब्बीर की माँ एक दिन कुर्बान नो कॉलेज आया करो एक दिन बगैर दसे ना जाओ अगले दिन जाओगे दोस्त पूछेंगे यार कल नहीं आया दस नहीं साढ़े घर फौतगी होगी सी तेरे ऑफिस के लड़के तेरे ऑफिस के नौकर सर कल क्यों नहीं आया दसना फौतगी हो गई है फिर और नाल पूछेंगे कौन फौत है दसे कौन है फिर उन्होंने सामने रो के दसी कल मारे है मुहम्मद दी दीन मुसलमान कल जैनब दी मां नु बंदे मार दे रहे कल मुहम्मद दी दीन मजलूमियत का प्रचार होएगा बीबी पाक की मजलूमियत फैलेगी दो फातिमा ने जिड़िया अपने पियों बहुत प्यारिया एक मुस्तफा की बेटी है एक हुसैन की बेटी दुआ का नाम पियों फातिमा रखे नबी बेटी का नाम फातिमा रखे हुसैन बेटी का नाम फातिमा सकीना लकब है असल नाम फातिमा दोवे पियों बहुत प्यारिया
दोनों मुसलमान बड़ा रोया। मैं डर के जुमला आख रहा, माफ करना, फिर बर्दाश्त नहीं होगा। दोनों मुसलमान मारे है, दो जख्मिया, जरा डर के मैं जुमला आखना चाहना। कुरान ले मैं सर ते रख देना, आज मेरे बारहवें का दिन है, आज जुमा है, मैंने आज दे दिल दे मालक दी कसम दुआनों मुसलमाना मुंह ते मारे वड्डी फातिमा नु भी मुंह ते मारे, छोटी नु भी मुंह ते मारे। यही वजह आई 95 दिन बाबे दे बाद जिंदा रही है, मुहम्मद दी धी पुत्रों को चेहरा छुपांदी रही। फिजा एक दिन पूछे बादशाह जादी उतरन वे के चोखा रोंदे हो, दर्द पर मैं दा दर्द नहीं मन, क्यों रोंदे हो? पर मैं जदन मैंने मार दे रहे ले, मेरा हसन वेखदा रहा, मैंने पुत्रां दे सामने मारिया ने, मैंने बेटियां दे सामने मारिया, छोटे ने भी बंदे मुंह ते मार दिया। एक दिन पूछे मासूमा ओ मलाउन काफरे च बच्चे होर भी हैं, मैं मैंने चोखा क्यों मार दे, जिथे दिल कर दे मैं क्यों मार दे? मैं बेगैरत अदा असी हुसैन नु तकलीफ देना चाहते, असी अकबर नु बरछी मारी इतना नहीं रुनना, कासम दे टुकड़े किते ने इतना नहीं रुनना, 13 जरबा नाल असी उसनु खुद मारे इतना नहीं रुनना। उस वेले नु तकलीफ हुई है जदन मैं उहदा कतल छड़ के तेरे मुँह ते तमाचा मारिया, उदना दई बेगैरता मैंने मार लै मेरी धीर नु ना मार। वारस जल्दी आ जाए, मेरा मालक जल्दी आ जाए। हौसला करके एक बयान करा, जाकिर भी इंसान है, ओ मैं सदके हो पवा दुआ दे रोन तो मुसलमान तंग ना, मदीने अली मदीने रोंदी आई ते मुसलमान अली नु आके देने ना रोन का टाइम बनाए, हर वेले रोंदी है साड़ी नींद खराब होंदी है। शाम आले अली नवा दिया, अली जैनुल आबदीन ना खरोन दा टाइम बनाए, ये रोंदी है जलजला आउंदा, पर मैं दिन किवें ना रोवे जिहदी अखीं वेंदियां पियो मारे, चुप कराए इसनू। अली जैनुल आबदीन आदन इक्को ही तरीका है, जिहनू रोंदी उहदा सर दे अगों मजाक करदे आ, हरामजादे वेखो तुसीं शराबियां दी औलाद, खुदा इन्हां दी नस्ल बर्बाद करे, मजाक करके अगो इमाम अली जैनुल आबदीन नू तकलीफ अजियत देंदे आ, हस के कहका मार के ते ए केड़ा हल है, जिहनू रोंदी उहदा सर दे, फिर चोखा रोएगी या चुप करेगी? जिगर ते हथ रख के देना, ओ बेदर्दा धी प्यो दा कटिया सर वे के जिंदा रहना ते रोना है ना, मर जाएगी मेरी बहन। उस अगर ठीक सिपाही ना दे सर दे जिमें उस सैयद शहदा का सर चा के दिता है, शायद ना दसन हो जिमें पुत्र प्यो का सर चाया, वह मैं दस सकना जिमें कारी कुरान में चाहता है, या मैं बना के जुमला आखा तो सोहना बनता है कि कड़िया ली रेह लुते दर्दा के कुरान ने ना तक का सर चाया। मैं सदके भाई मैं सदके सैयद साजिदीन सर बाबे का लैके जिंदा नाल टुरे ने ते हराम ज्यादा बोले हो सके एक मिनट खलो पुत्र हुसैन तो लै चले सर, जिसल बच्ची मिले तो फौरन वापस करी, एक गल का ख्याल करी सिवाए इस मासूमा बच्ची दे होर कोई तेरी माँ पुपी सारू ना चाहे, अगर किसी हाथ लाने की कोशिश की मैं हाल ही करा जो शाम गरीबा की रात। फरमाया मैं सदीका का पुत्र वादा कर रहा, अंदर ना भी सिवाए मासूमा दे कोई नहीं मिलेगा, सिपाहियों अंदर ना भेजी, कुरान दयातों के गिलाफ लथे हुए। ये फिर सजाद बाबे का सर चाह के जिंदा ने चाहे, जिमें जिंदान चु दाखिल होए ने ना सही आजादियां उठिया ने फरश उत्ते फिर कर ली ने, सिर्फ इस वास्ते इमाम हुसैन दे मेहमान ना बने ठंड ना लग जाए, तुसी साल नहीं बवोगे 6 महीने नहीं बवोगे 4-5 घंटे फिर उठ जाओगे। कुरान मेरे सर ते रख लो मेरा सुन्नी भाई, जिथे बतूल दियां धीयां कैद रही ने थले कालीन कोई ना ही, उत्ते छत कोई नहीं। अज भी तुसी शाम टम्परेचर गूगल तो चेक करो ना -टम्परेचर,
प्रेशर टली दियां दियां रह गए। इस वास्ते मेरे बारहवें का फरमान है, मेरा सलाम होवे उन चेहरों ते जिन्हां दी रंगत मौसम दी शिद्दत बदला गई। अली ज़ैनुल आबिदीन बाबे दा सर लैके जिंदानी च आए ने, कुरान दियां आयतां मिट्टियां तो बोलन, सैयद शुहदा दा सर है ते आलिया फरमाए सारियां उठो इस्तकबाल करो मोहरे नबूवत दा सवार आ। हर बीबी मत्थे ते हथ रखे, अस्सलामु अलैका या यबन रसूल अल्लाह, अस्सलामु अलैका यबन सैयदा। सारियां उठ के सलाम पे कर दें ते हर बीबी हथ फरमाए, मैं चाहवा अकबर दा बाबा मैं चाहवा। उत्थे सज्जाद रुक गए ते रत रोक के दे, नहीं फुफी सिवाए मासूमां दे किसे ने, बदमाश ताजिया ने लैके बाहर खलोते ने, मैं वादा कर रहा हाँ सिवाए मासूमां दे। ज़ेहन च एक नक्शा बनाओ, त्रै या चार मिनट तो मैं बयान करा। हर बीबी हथ थले कीते ने, हर किसी की निगाह वेखा धी मिलदी किवें। बाबा आदा के फतेहपुरा लिया सज्जाद प्यो दा सर लैके उत्थे आए जिथे धी खलोती आए, कुरान मेरे सर ते रख लै जिमें जिमें करीब आए ने खलोती रही है। शियां सुनियां जदन पंज कदमां दे विच आए खलोती सकी ना जान पई, कमजोरी त्याले मुहम्मद दा जोड़ कोई नहीं, मेरा बारवा माफ करे साडे कोल अल्फाज दी कमी है, मैं इत्थों तई पढ़िया है जदन आखरे दिन आए ने हुसैन दी धी इतनी नहीफ हो चुकी आए, इतनी कमजोर हो चुकी है असगर दी बहन, एक झोली तो लैके दूजी झोली तई टुर के नाई वेंदी या फुफी चा के लै वेंदी आए। जिमें जिमें करी बायन जान पई है सजाद दिन उठ ना बाबा मिलन आया, निके निके हथ बन के आदि नहीं मैं सजाद उदन आया बाबा जदन मेरी जिंदगी मो गई है, जे आ गया है तो मैं मिलना कोई नहीं, जड़े लम्बे बाकी ने एक मैं बाबे का उधार लाना है, केड़ा फरमाया सारी जिंदगी दे सीने ते सुतियां, आज बाबा आया है ते एक बारी सार दे मेरा थका होया बाबा, मैं बाबे नू सीन मरहबा भाई मरहबा भाई, मैं बाबे नू सीने ते समावा। इन्ना लीला पढ़ के सजाद प्यो दा कटिया सर बहन लिया रस्सियां ले हत्था ते रखे, अगर तू साहिबे औलाद है एक मिनट अपने ज़ेहन च नक्शा बना, चौं साल बची हो प्यो का कटिया सर धी दे हथा ते आवे ओदी किवें निभदीए, कयामत दा मंजर आई अरश प्या हलदा। इन्ना लीला पढ़ के सजाद प्यो का सर बहन दे हथा ते रखे, बिला तशबी इंज वेखे सजे दियां जुल्फां खब्बे खब्बे दियां सजे, दाड़ी तेरा तरे ते मत्थे ते मेरा आवे, गर्दन बेतरतीबी नाल कटी हुई है, जेड़ा पहला वैन कीता अल्लाह दा अरश हल गया मुँह ते मुँह रख गया दियो चन्न दियां पोशाकां पावे ना लिया धी दी पोशाक वेग, ओ जिबरील ने परां ते सम्मणा लिया इक वारी धी दा बिस्तर वेग, रो रो के पैया दिए धी रुल गई आई, ओ वेच सफरां दे इस मत दा पाक नगीना सब छोटी कैदन। मैं सदके मैं कुरलाओ यार कुरलाओ हुसैन दी धी नू कुरलाओ भाई, मैं सदके आवा। अच्छा जे तुसा जुड़ पे हो ते कि नफसियाती जुमला मैं पढ़ा, मेरा सुनी भाई तेरे नाल मेरी ज्यादा गल, अगर तेरी औलाद च छोटी छोटी तेरी धी होवे मैं खुद बेटियां ला, मैं धियां दे प्यार समझना, मैं धियां दे दर समझना। छोटा जिहा ज़ाकिरा मैं शबीर दा, मैं कोशिश कीती है, मैं त्रै मईसां पढ़ियां चार पढ़ियां, मैं घर जरूर जाऊँ अगर थोड़ा जहा टाइम नाल मैं घर पहुंचा, मैं बादौला शरीर की कसम मेरी छोटी बच्ची सीढ़ियां ते खलो के मेरा राह पई वे दी कोशिश कर दी है, मैं सब तो पहले बाबे नू मिले, मेरे घर दी कहानी नहीं है, हर साहिबे औलाद मेरी बात दी तईद करेगा। तू सुन्नी है या शी है, अगर तेरी छोटी छोटी धी होवे तुसी काम कर दे हो ड्यूटियां कर दे हो जॉबां कर दे हो, 15-20 दिन महीने बाद तू घर पहुंचे तू वेख्या उसी तेरी धी भज के तेरी झोली चा बांधी है, बच्ची दूजियां नू दसदी है ज्यादा बाबा मेरा लगता है, निक्कियां धीयां दा प्यार पीवां नाल ज्यादा हुंदा है, सारे फिरावां ते बहणा तू पहले जा बांधी है, पहले अपनिया शिकायतां लांदिया दी बाबा तुसी कोई ना मैन अम्मा मारिया, बाबा तुसी कोई ना मैन वड्डे भरा मारिया, ते रसूल दा वास्ता एक बारी सोची जरूर, वड्डियां दियां शिकायतां दी प्यो नूं क्यों लाइयां ने मां क्यों नहीं लाइयां ने, फतेहपुरा लिया इतनी फितरत है शिकायत उत्थे लगदी है जिथे प्यार ढेर होवे, चुके धी दा प्यार प्यो नाल ज्यादा हुंदा है। मैन कुरान दी कसम है शाम दा जिंदा ने कयामत दा मंजर है मुत्तां दी निखड़ी होई नूं बाबा
ਹਲਿਆ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਲਾਈ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦਾ ਅਰਜ਼ ਹਲਿਆ ਦੱਸੇ ਲਬਾਂ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਦੀਏ ਬਾਬਾ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਹੋ ਸ਼ਿਮਰ ਮੈਨ ਬਹੁਤ ਮਾਰਿਆ ਬਾਬਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦ ਮੈਨ ਘੋੜਿਆਂ ਨਾਲ ਭਜਾਇਆ ਨੇ ਮੈਨ ਬਿਲ ਫਲਾਣ ਉੱਠਾਂ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤਰ ਦੁੱਖ ਸੁਣਾ ਦੀਏ ਨਹੀਂ ਵੇ ਬਾਬਾ ਜੇ ਆ ਗਿਆ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲੈ ਕੁਝ ਗਵਾਹਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਜ਼ਿੰਦਾਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿਆ ਦਿਨ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਾਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗਵਾਹ ਸੱਜਾ ਜਾਂ ਬਾਕਰ ਫੁੱਫੀਆ ਲਿਆ ਜਾਂ ਕਲਸੋਮ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੂੰਹ ਰੱਖ ਕੇ ਦਿਓ ਬਾਬਾ ਜੇ ਗਵਾਹ ਵੇਖਣੇ ਨੀ ਨਾ ਸੱਜਾਦ ਵੇਖ ਨਾ ਬਾਕਰ ਵੇਖ ਕਿੱਥੋਂ ਵੇਖਾਂ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਕੇ ਪਿਆ ਦੀਏ ਰੁਖ ਸਾਰ ਗਵਾਹ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੈਂ ਯਾਰ ਹੈ ਭਾਈ ਇਹੋ ਗੱਲਾਂ ਪਈ ਕਰਦੀ ਆਈ ਧੀ ਦੇ ਵੈਣ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ ਮੁੱਠੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋਵੇ ਲੱਪੀਆਂ ਅਲੀ ਸੈਨੂ ਲਾਭੇ ਦੀਨਾ ਦਿਨ ਲੱਗਦਾ ਮੁੱਤਾਂ ਦੀ ਜਾਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਿਲਿਆ ਨੀਂਦਰ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠੀਆਂ ਪਰਦੇ 'ਚ ਮੇਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਮਾਵਾਂ ਨੀਂਦਰ ਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ ਰਬਾਬ ਤਲੀਆਂ ਟੇਕ ਉੱਠੀਏ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮਾਤਮ ਕਰਕੇ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੱਜਾ ਦਾ ਦਿਨ ਅੱਖਾਂ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਹੋਈਆਂ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਪਈਆ ਦੀਏ ਤੇਰੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਅਸਲ ਗਵਾਹ ਮਰ ਗਈ ਏ ਸ਼ਾ ਮਾਤਮ ਕਰੋ ਨਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਸਦਕੇ ਬਾਈ ਗਿਰੀਆ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਆਖਰੀ ਵੈਣ ਗਿਰੀਆ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਜ਼ਿੰਦਾਨੇ ਸ਼ਾਮ ਨਾਲ ਮੁਲਹਿਕ ਇੱਕ ਸ਼ਾਮੀ ਔਰਤ ਦਾ ਘਰ ਆਈ ਜਦੋਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਦੇ ਵੈਣ ਬੁਲੰਦ ਹੋਏ ਭੱਜਦੀ ਜ਼ਿੰਦਾਨੇ ਚਾਹੀਏ ਕੀ ਹੋਇਆ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਹੈ ਸਾਡੀ ਛੋਟੀ ਬੱਚੀ ਮਰ ਗਈ ਯਾਰ ਫਿਤਰਤ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਾਲਿਆ ਮਈਆ ਦਾ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਵੇਖ ਲੈ ਮੂੰਹ ਆਲੀਆ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਲਾ ਯਮਸੋ ਹਿਲਲ ਮੁਤਹਰ ਹੁਣ ਹੱਥ ਨਾ ਲਾਈ ਸਿਰਫ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲੈ ਮਿਲ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਸ਼ਾਮੀ ਔਰਤ ਪਰਦੇ ਚੋਂ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਈ ਹੈ ਪਿੱਟਣ ਲੱਗ ਪਈ ਆਦੀ ਬੱਚੀ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਹੈ ਯਜ਼ਿੰਦਾ ਰਬਾਬ ਆਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਆਦੀ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਨਾ ਤੇਰੀ ਧੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਆਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾਇਆ ਕੇ ਵੇਖੀ ਆਦੀ ਹੈ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੇਖੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨੀਲੇ ਕਾਲੇ ਦਾਗ ਪਏ ਹੋਏ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਰੱਤ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ ਆਈ ਰਬਾਬ ਉੱਚਾ ਰੋ ਕੇ ਆਦੀ ਹੈ ਮਰੀਜ਼ਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਆਈ ਅਲੀ ਅਕਬਰ ਦੀ ਜਾਗੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ਿਮਰ ਤਮਾਚੇ ਮਾਰੇ ਇਸ ਪਿਓ ਦੀ ਲਾ